नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बनारस के फिर बेहतरीन नज़ारे, जो आने वाले समय जून में G20 के द्वितीय चरण की तैयारी किस प्रकार है उसे दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बनी रहिएगा और देखिए बनारस में कैसी तैयारी चल रही है। जून 11, 12 और 13 को सम्मेलन है। इस मार्ग में आप देखेंगे सड़कें, आप जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार सड़कें हैं, फुटपाथ का निर्माण या डिवाइडर पर या लाइटिंग या खूबसूरत पेंटिंग दीवालों पर, ये सभी आप देखेंगे इस वीडियो में कैसी तैयारी है। आज तारीख की बात करें दोस्तों, तो आज तारीख है 28 मई और दिन है रविवार का। काफ़ी शानदार तरीके से बनारस को सजाया संवारा जा रहा है। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे से डिवाइडर पर मेंटेन किया गया है। ये आपका गीलट बाजार है, और आगे में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, इसी मार्ग से विदेशी मेहमानों का आना जाना होगा। इस तरफ देख रहे हैं आप संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये चौक, ये आप देख रहे हैं ये जगह है भोजू वीर, और इसी से मैं आगे आपको ले चल रहा हूँ। जिस मार्ग पर ले चल रहा हूँ उस मार्ग की खूबसूरती आप देखिएगा। यह देखेंगे अभी भी आपको लाइट जलता हुआ दिखाई देगा, जबकि 7 बजने वाले हैं सुबह के। आप देख रहे हैं ये है चांद मारी, और आगे ही आप देखेंगे तो रिंग रोड आपको दिखाई देगा।
सामने में रिंग रोड काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। ये ऊपर ऊपर देख रहे हैं, रिंग रोड चले जा रहा है और इस तरफ ये आपका खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसे सजाया गया है। इस तरफ श्री सदगुरु फैमिली रेस्टोरेंट और इधर देखिए दीवालों पर आकर्षक पेंटिंग। अभी यहाँ पर फिलहाल अभी पेंटिंग करना बाकी है, लेकिन इस तरफ आप देखिए बाउंड्री वॉल में चलिए दोस्तों इस जगह की खूबसूरती आप देखिए। ऊपर से रिंग रोड और नीचे आपका चलिए इस रिंग रोड की आपको एक बार फिर से मैं पेंटिंग दिखाता हूँ। काफ़ी आकर्षक पेंटिंग है। सामने में फुटपाथ और ये देखिए भव्य पेंटिंग की गई है, काफ़ी बड़े आप देख रहे हैं लालपुर आवासीय योजना और इसी मार्ग में मैं आपको ले चलता हूँ और इस मार्ग की खूबसूरती दिखाता हूँ कि क्या सुविधाएं हैं इस मार्ग में। चलिए पहले आगे चलते हैं। काफ़ी शानदार सड़कें, साफ सुथरी, अलग से यहाँ पर साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये है व्यापार केंद्र, ट्रेड सेंटर। बहुत खूबसूरत तरीके से इस ट्रेड सेंटर को मेंटेन किया गया है। चलिए हो सके तो आपको अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस सड़क मार्ग की आप खूबसूरती देखिए। मैं इस भवन को आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। संग्रहालय म्यूजियम भी यहाँ पर है, बहुत खूबसूरत, अंदर से तो दिखाने लायक है ये जगह। फिलहाल ये सड़क मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और देखेंगे बीचों बीच डिवाइडर, और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं ये साइकिल ट्रैक अलग से बनाया गया है इस मार्ग में। लेकिन जहाँ लोगों को चलाना चाहिए उस तरफ ना चला के सड़क पर चला रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर मैं आपको दीवारों पर पेंटिंग दिखाऊं तो पेंटिंग भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस तरफ आप देखेंगे तो ये भवन काफ़ी खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। ये देखेंगे तो पेड़ों पर भी काफ़ी अच्छे से पेंट कर दिया गया है, यानी दीवार तो छोड़िए जितने भी भवन हैं उन सभी को देखिए और पेड़ों पर भी आप देखिए पूरा कलर। चलिए अब चलते हैं आपको अंदर की तरफ लेकर।